माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम मूलाधार चक्र की बात कर रहे थे। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, नाम कोई भी दे दो, फर्स्ट चक्र, इसके अधीन बहुत सी बातें आती हैं। हम सोचते हैं, कुछ बच्चों ने भी क्वेश्चन किया, कि कैसे इसको ठीक रखा जा सकता है, इसका बैलेंस ना होने के नुकसान क्या हैं, अच्छा होने के लाभ क्या हैं। पिछली बार भी कुछ बात की थी। मूलाधार चक्र, रूट चक्र हमारी सभी परिस्थितियों को कंट्रोल करता है, सब सुख देने वाला, आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना आगे जा सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला, फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला, मूलाधार चक्र है। जो लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती दूसरों पे थोपना चाहते हैं, छोटी छोटी, सभी को सामने पता होगा किसी की गलती है, फिर भी दूसरे पे दोष दे देंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाए जीवन में, सेटल नहीं हो रहे, कभी अपने मुकाम में नहीं पहुंच पा रहे, तो समझ लेना कि मूलाधार चक्र की स्थिति सही नहीं है। मैं गलत गांव में पैदा हो गया, गलत घर में पैदा हो गया, मेरी पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी नहीं रही, मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी संगति गलत हो गई, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे। दोस्तों, जब भी कभी कोई ऐसी बात कहे, आप उसी गांव की स्थिति के बारे सोचना, उसी स्कूल के बारे सोचना, उसी हालात के बारे सोचना। आज तक जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, अच्छे समाज सेवी हुए हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनमें से बहुत सारे विपरीत स्थितियों में पैदा हुए। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, हम एक नए व्यक्ति पैदा होते हैं, हमारे अंदर सीखने की इच्छा बढ़ने लगती है, हमारे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ने लगती है, और दूसरी मजे की बात, हमें दोबारा वो गलती नहीं होती है। जब हम अपनी गलती दूसरे को दे देते हैं, बार बार वो गलती होती है, हमारा जो कलेक्टिव माइंड है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, वो गलत आज्ञा ले लेता है, वो गलत कलेक्ट कर लेता है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में गलत मैसेज जाने लगता है, और आप बार बार जिंदगी में फेल होने लगते हो, आप बार बार जिंदगी में सक्सेस होने लगते हो। मूलाधार चक्र
कुंडलनी शक्ति का मूल स्त्रोत्र है। कुंडलनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपके सभी चक्रा खुल जाते हैं, तीसरा नेत्र खुल जाता है, आप एक दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। जिस स्थिति के लिए, जिस स्मृति के लिए भगवान ने भेजा आपको, आप वो हो जाते हो। मूलाधार चक्र से ही तीनों नाड़ियां प्रभावित होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिनका मूलाधार चक्र अच्छा होता है वो किसी भी बात को असंभव नहीं मानते। उनको लगता है कि उनके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आध्यात्मिक महापुरुष हुए, उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा, समस्या आएगी तो समाधान की सोचने लगेगा, उसके सॉल्यूशन की ओर जाएगा। मान लो एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति को चोट आ गई, सबसे पहले देखेगा कि उस व्यक्ति का बचाव कैसे करना, उसकी जिंदगी ना चली जाए वो क्या कर सकता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि गाड़ी का कितना नुकसान हुआ, मुझे कितना नुकसान होगा, उसको लगेगा मैं जहां भला कैसे करूं। उसके अंदर से होगा, वो दयालु होगा, कृपालु होगा। वो शून्य से सर्जन करने वाला होगा। आज से आप कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले की बात करें, जब एरोप्लेन नहीं होता था, तो जिस व्यक्ति ने सोचा होगा कि मैं ऐसे हवा में उड़ने वाला यंत्र बनाऊंगा, हवाई जहाज बनाऊंगा, आप सोचते हो कि लोगों ने उस पर अप्रिशिएट किया होगा, लोगों ने कहा होगा एक और पागल पैदा हो गया। जब किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा मैं हार्ट को चेंज कर दूंगा, ट्रांसप्लांट कर दूंगा, मैं लिवर को भी ऐसा करके ने की सोच रहा हूं, लोगों ने उसको भी पागल कहा होगा। तो दोस्तों, जो दीवाने लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, जिनको दुनिया नहीं समझती है, वो ही कुछ करके जाती हैं दुनिया में। वो ही चमत्कार किया करते हैं, और चमत्कार हमारे 7 चक्राज में हैं, और मूलाधार चक्र के बारे में पिछली बार भी आपको बताया था, उन चीजों को ही करना है। पर मूलाधार चक्र में आप मैसेज गलत ना दें। गणेश जी की शक्ति है इस चक्र के साथ। गणेश जी कैसे प्रसन्न होते हैं, जैसे गणेश जी आते हैं, समृद्धियां, सिद्धियां, पुत्रता, धन, दौलत, वैभव सब कुछ आ जाते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? आप उनकी बाहरी पूजा करते हो, गणेश भगवान का आवाहन करते हो। प्रत्येक पूजा में सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है, लड्डुओं का भोग लगाते हो, गणेश जी की कृपा भी होती है, बहुत से लोगों की होती है। पर गणेश जी हमारे अंदर हैं, गणेश जी पवित्रता के प्रतीक हैं। जितना दोस्तों मन से पवित्र होंगे, तन से पवित्र होंगे, आत्मा से पवित्र होंगे, गणेश जी की शक्ति उतनी प्रसन्न होगी। मन से पवित्र मीन सब पे दया करना, सब पे रहम करना, कहीं भी गलती हो हाथ जोड़ के माफी मांग लेना और सबको माफ कर देना, शुक्रिया करना, थैंक्स करना। घर कोई मेहमान आए तो बहुत खुश होना कि ईश्वर का भेजा हुआ बंदा आ गया। पशु पक्षियों की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, सबकी हेल्प करना।
इससे भी गणेश जी की शक्ति की कृपा होती है। गणेश जी रिद्धि के, सिद्धि के, समृद्धि के, शुभ के, लाभ के मालिक हैं। बिल्कुल दूसरी शक्ति है माँ शाकिनी देवी की, जो सब कुछ सप्लाई करने का खजाना है, जो पूरे यूनिवर्स की मालिक है, जो आप चाहते हो उसी टाइम दे देती है। जब आप पवित्र हो जाएंगे, आप जो भी भावना से चाहने लगोगे उस भावना के साथ आपका भला होगा, परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा, लोगों का भला होगा। आप देखेंगे कि वो आपके पास सब कुछ आने लगा। आप किसी के लिए भी कुछ नकारात्मक ना सोचें, और आज आपका कोई भी कारोबार इतना है, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। जो हम दोस्तों इस ध्यान की प्रक्रिया को चला रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको दुनियादारी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको घर से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप परिवार के बीच रह करके साधना करें और अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की करें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप साधना में जाते हो तो आप जो काम इतने वक्त पे करते थे इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, आप संयम वाले हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे। जो युवा बच्चे हैं दोस्तों, आप बेटो, आप अभी से बड़ी मंजिल रखो, अपना गोल अभी से बनाओ। जब तक आपका गोल नहीं होगा तो कितना भी ध्यान कर लोगे बात नहीं बनेगी। तो ये ऐसा ध्यान है जो आपको पूर्ण सुख देते हुए, अच्छे परिवार का सुख, धन का सुख, वैभव का सुख, वाहन का सुख, अच्छे हस्बैंड का सुख, अच्छी पत्नी का सुख, सब कुछ आपको देगा। और सुख को एंजॉय भी कर पाओगे, और सुखों को एंजॉय करते 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 इतने त्यागी बन जाओगे कि मोक्ष की ओर चले जाओगे, भगवान की ओर चले जाओगे। ये हमारा जो सातवां चक्र है, जब हम भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं तो ये खुल जाता है। कहते हैं हजार कमल है इसमें, जब खुल जाता है तो फिर जब भी आप भगवान के पास जाएंगे आपको पश्चाताप नहीं होगा। जब भी यमराज लेने आएंगे वेलकम करेंगे, बेटा तूने बड़े अच्छे काम किए, चल अच्छी जगह। और जब आप जाने लोगों के कुछ नहीं किया होगा तो पूछेगा क्या किया तूने लाइफ में, आप बोलोगे थोड़ा सा वक्त और दे दो, तो बोलेगा नहीं तेरा वक्त खत्म हो गया। और ये शाकिनी शक्ति सब वैभव को देने वाली, सुखों को देने वाली, जो चाहते हो उसको देने वाली, ये शक्ति बंधी हुई है। ये खुलती इसलिए भी नहीं है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, जब कहीं खुल गई तो आपके ऊपर नेगेटिव ही नेगेटिव होने लगेगा। इसीलिए बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं मैं जब से मंत्र करने लगा हूँ मेरा और नेगेटिव हो गया, मैं जब से साधना करने लगा हूँ मेरा और नेगेटिव हो गया, जब से मंदिर जाने लगा हूँ मेरा और नेगेटिव हो गया। तो उनकी आपकी सोच अच्छी नहीं हुई। पहले पवित्रीकरण, सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना। आप देखते होंगे जब भी पंडित जी लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले मंत्र बोलते हो पवित्र पवित्र, इसलिए ही बोलते हैं कि आप शुद्ध हो जाओ, क्लीन हो जाओ। पर हम भूल गए, हमने मंत्रों को वाणी में ही रहने दिया, प्रैक्टिकल रूप नहीं दिया। तो आपको तन मन से, आत्मा से पवित्र होना है। सबसे पहले पवित्र हो करके फिर अपने आप को उस योग्य बनाना है। कभी आप हम जा रहे हो बात बन गए, जहां भी जा रहे हो बात बन गए। और इससे भी मूलाधार चक्र के लिए बहुत सी गहरी बातें हैं जो ऐसे स्क्रीन के ऊपर बोलना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है, मैं जो जानता हूँ, इस विद्या का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, जो जानता हूँ वो मैं कुछ कहने की कोशिश की है, पूरा नहीं कह पाया, क्योंकि फिर
एक स्टेट के बाद सबके साधना अलग अलग हो जाती है। तो मूलाधार चक्र का लाल कलर है। अभी हम गणेश जी का शब्द है, मंत्र है, गंग भी बोल सकते हैं, गम भी बोल सकते हैं, इस बहस में नहीं पड़े, दोनों का सेम फल है। और माँ शाकिनी जी का मंत्र है लम। इसको अच्छे अच्छे ढंग से दोनों मंत्रों को साथ साथ बोलेंगे, दोनों ही शक्तियां प्रसन्न होंगी। आंख बंद करेंगे और कम से कम आपको दोनों मंत्रों को 10 मिनट तक बोलना है। जहां पे वक्त के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, पर आप मिनिमम 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। जब से आपका चक्र स्थित हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर 2 मिनट में भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है, आप आंख बंद करते हो तो चक्रा को शक्ति मिलती है। गम नमः, 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 गंगनमय 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 गंगनमय। और पृथ्वी मुद्रा को करेंगे साथ साथ, जैसे आपको बताया था, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना है और उसको प्रेशर अंगूठे से प्रेस करके बाकी तीनों उंगलियां ऐसी रहेंगी। जब हाथ भी जोड़ोगे तो ऐसे ही जोड़ोगे। गंगनमय रमनमय 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 गंगनमय रमनमय। थोड़ा फास्ट करें। गंगनमय रमनमय 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 गंगनमय रमनमय। मन में जाप करें और मूलाधार चक्र को फोकस करें। मन में जाप करेंगे, आपके लिप्स भी नहीं हिलें, मंत्र को सुनने का प्रयास करें। गंगनमय 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 रमनमय 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 गंगनमय गंगनमय रमनमय 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 गंगनमय रमनमय। आंख नहीं खोलेंगे, जैसे ध्यान में बैठ गए तो आंख नहीं खोलना है। इससे आपकी जो अंतर की शक्ति है पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाती है। आप
अपनी सभी शक्तियों से रूबरू होने लगते हो। जैसे आंख बंद करते हो तो आपकी जो अंतर की आंख है वो खुलने लगती है। जैसे अंतर की आंख खुलती है उस प्रभु के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस खुदा के साथ आप हो जाते हो। उसको कुछ भी कह दो, एक है वो जो यूनिवर्स की शक्ति है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, उसके साथ एक हो जाते हो। हे भगवान गणेश, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। गुरुदेव भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणपति देव, आप रिद्धि सिद्धि के दाता हो, संपूर्ण शक्तियों के मालिक हो, आप जागृत हो जाएं, आप जागृत हो जाएं, आप जागृत हो जाएं, आप जागृत हो जाएं। भगवान जैसे आप सुनते हो कि शरीर एक मंदिर है, शरीर बहुत पवित्र है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। और सच में ये शरीर एक मंदिर ही है जिसमें सब देवता निवास करते हैं। अंतर में ही है दोस्तों सब कुछ। बाहरी रूप से जब पवित्र होने लगते हो, व्यवहार कुशल होने लगते हो, दूसरों का भला सोचने लगते हो, तो आपके चक्राच अपने आप जागृत होने लगते हैं। आप रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी हो जाते हो। आप बच्चों, आप स्टडी करते हो, आप जो कुछ एक घंटे में कर सकते थे आधे घंटे में करने लगते हो, आधे घंटे में करने लगते थे 15 मिनट में करने लगते हो। आपके जो प्रज्ञा चक्षु हैं खुलने लग जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु आपकी इंट्यूशन को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत ठीक करते हैं। जैसे आप किसी मीटिंग में हैं, किसी इंटरव्यू में हैं, तो जो आपको चाहिए वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देगा, उसी टाइम देगा। ये ध्यान करने से हो सकता है, साधना और ध्यान से। तो सबके लिए जरूरी है कि आपका मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग हो। कभी भी जो चीजें आपको कही हैं, पिछली बार कही थी, देखें कि उनमें कमी आने लगी है, तो आप देखें कि आपका मूलाधार चक्र डाउन होने लगा है। मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होने से आपको बैक पेन, आपके शरीर का स्वस्थता बढ़ जाती है, पांव की पेन, घुटनों की पेन, और जब भी आप करना शुरू करेंगे आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर बचपन से जो करते हैं उनको ऐसी कमियां नहीं आती, बहुत अच्छी पहुंच, अच्छी पहुंच में पहुंच जाते हैं। जो भी बच्चे मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, आप बच्चों एक संकल्प करो, अपना गोल रखो, आप करना क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। जैसे जैसे आप निश्चित करोगे तैसे तैसे आपकी साधना बढ़ेगी और आप अपने गोल को बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। पर जो आपका ब्रेन रूपी कंप्यूटर है, मन का कंप्यूटर है, उसको जितना क्लीन करोगे उतने अच्छे रहोगे। अभी धीरे धीरे गहरी श्वास लें
गहरी सांस लेके जब तक रोक सकते हो रोकने की कोशिश करें। आंख नहीं खोलें, धीरे धीरे अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरुदेव का ध्यान करें, माता जी का ध्यान करें, जो भी आप करते हो, चेंज नहीं करना बार बार। आप कहीं दूर दूर बैठे हैं जहां पे आपको कोई कमी लगती है, आप अपने पूज्य गुरुदेव जी से पूछें, किसी विद्वान महापुरुष से गाइडेंस लें, पर करें जरूर। जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे फिर आपको इंटरनली गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि और बातें कहूंगा तो साइकोलॉजिकली हो जाएगा, आप वही प्लानिंग करने लगोगे, वही सोचने लगोगे, वही कल्पना करने लगोगे। आपके मिक्स कलर आ रहे हैं ध्यान में, बहुत अच्छी बात है। रेड आ रहा है तो आपका मूलाधार चक्र बहुत अच्छा हो गया। गहरी सांस लें, रोकने का प्रयास करें, स्लोली स्लोली बाहर निकालें। अपने इष्ट का ध्यान, ऐसे जो सांस की प्रक्रिया है इसको 20 टाइम तो कम से कम करना चाहिए, 30 बार करें, 40 बार करें, बहुत अच्छा है। इससे मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र, हमारा इलेक्ट्रो माइंड बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। जो साधक लोग हैं उनका ये चक्र 5 दिन में भी एक्टिवेट हो सकता है, 5 घंटे में भी हो सकता है। जो नए नए साधक हैं, जो चीज़ें आपको कही हैं उन नियमों का पालन करेंगे, आपका महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये शक्तियाँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी कृपा करती हैं, क्योंकि आपके अंतर में है ना, आपकी हैं। पर इनको जो जो पसंद है वो काम आप करें, तृप्त रहें, दान पुण्य करें, अपने माता का, पिता का, अपने गुरुदेव का पूर्ण मान सम्मान करें। कुछ लोग माता जी पिता की निंदा करते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ अपने गुरु की निंदा करते हैं, फिर नया गुरु बनाते हैं, फिर उसकी भी निंदा करते हैं। इससे आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अपने परिवार के प्रति
पूर्ण वफादार रहें बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ। जहां काम करते हो वहां ईमानदार रहें, जो प्रोफेशन है उसमें ईमानदार रहें, काम को ईमानदारी से करें, फी तो आपने लेनी है। जो भी करते हो सभी चीजों को ईमानदारी से, पवित्रता से, मन वचन कर्म भाव से करें, और जो भी कार्य करें पूर्ण समर्पण भावना से करें। काम आपका पैशन बन जाए ऐसी स्थिति होनी चाहिए, आप कभी थकेंगे भी नहीं। और सफलता की सीढ़ियां ऐसे चढ़ोगे, मैं तो ऐसा कहूंगा कि एलिवेटर में जाओगे आप, सीढ़ियों से नहीं जाओगे आप। सच्ची तरह से साधना करते हो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे, बहुत जल्दी तरक्की करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। अपने इष्ट का ध्यान करें आगे चक्कर पे, प्रार्थना करें भगवान से, हे भगवान, हे माता रानी, हे शाकिनी देवी, हे गणपति देव, हे गुरुदेव, मेरी ओरा को मजबूत करो, मेरी ओरा की लंबाई और बढ़ा दो, मेरी ओरा का घेरा और समृद्ध कर दो, मेरे सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को और बढ़ा दो, जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है वैसे वैसे एक रक्षा चक्र हमारे आजू बाजू बन जाता है, जो हमें आदियों, व्याधियों, एक्सीडेंटों, बीमारियों से रक्षा करता है, तंत्र से, मंत्र से, नजर दोष से रक्षा करता है। हमारे लिए गलत प्लानिंग बना रहा होता है उसके लिए रक्षा करता है। सूक्ष्म शरीर को कैसे मजबूत करना है फिर बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे चक्र की बात करेंगे, सेकंड चक्र की। अपने इष्ट का ध्यान करें, आपके इष्ट, आपके देवता, आपके मालिक, आपके गुरु बहुत कृपा कर रहे हैं आपके, कृपा की बारिश हो रही है, आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। जो आप चाहते थे, जो आपका गोल था उससे ऊपर कई गुना उन्होंने कृपा कर दी। आप चाहते थे मुझे तो 500 गरीब को खाना खिलाना है, उन्होंने इतनी शक्ति दे दी आप 5000 को खिला दो। आप चाहते थे मुझे 10 स्टूडेंट को पढ़ाना है, उन्होंने 100 स्टूडेंट की आपको शक्ति दे दी। कृपा की मेहर कर दी उन्होंने, जैसे आपको कहा था, माता पिता गुरु के प्रति कभी थैंकलेस नहीं होना, जो उन्होंने सिखाया उस पर अमल करना। आप पे कृपा ही कृपा होगी, आप पे मेहर मेहर होगी। ना निंदा करना, ना सुनना, कोई करने लगे हाथ जोड़ देना, उसमें आना मत। आप गुरु जी ने, माता जी ने, इष्ट देव ने हमारी झोलियां भर दी, उस कृपा को महसूस करो। फील करो
भाव से फील करो। जैसे आपको क्रोध आता है ना, कहते हैं दुश्मन को अभी खत्म कर दें, इसके प्यार को भी ऐसे फील करो, गुरु की कृपा को भी ऐसे फील करो। वो शक्ति एक ही है, कहीं भी लगा लो उसके उसके। कृपा हो गई, बस गुरुदेव का, माता जी का, इष्ट देव का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, उन्होंने कृपा की। मन से धन्यवाद करें, वाणी से धन्यवाद करें, आपके रोम रोम से धन्यवाद होना चाहिए। ये धन्यवाद शुक्रिया ऐसा मंत्र है, इस जैसा कोई दूसरा मंत्र नहीं। आप अपनी जिंदगी में छोटे लेवल से इसका प्रयोग करके देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई आपको पानी पिलाता है, उसका थैंक्स कहें मन से, वो दूसरी बार को और अच्छी तरह सेवा करेगा और ऊपर वाला भी प्रसन्न होगा, क्योंकि पानी तो उसने रखा था आपके लिए ना, जो पिलाना है। आपके गोल पूरे हो गए, आपके संकल्प पूरे हो गए, हे भगवान, हे गुरु महाराज, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत कृपालु हो, बहुत दयालु हो, बहुत कृपा करते हो। आपकी ओरा का घेरा, आपका आभा मंडल और कांति से युक्त हो और समृद्ध हो और फैले। नीर पंख मुद्रा करेंगे, धीरे धीरे आंख हाथ उठाएं, आंख खोलें, ऐसे स्पर्श करें। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रानी, भगवान गुरुदेव आपको बहुत शक्ति दें। आप ध्यान में बैठ रहे हो, साधना कर रहे हो, जो भी उसकी कृपा की बात है, उसकी कृपा के बिना हम साधना नहीं कर सकते। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपने सुखों को एंजॉय करें, अध्यात्मिकता के मार्ग पर चलें, सक्सेस हो, सपने जय माता दी।